ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करेंगे रविवार संडे 17 मार्च 2024 17 7 1 8 और 8 8 होता है और 8 का नंबर 1 सूर्य वालों के लिए, 2 चंद्रमा वालों के लिए और 3 गुरु वालों के लिए, 4 कभी कभार राहु वालों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया बनता नहीं है। तो इनको थोड़ा सा तारीख फल के अनुसार सावधान रहना चाहिए, लेकिन 8 वालों के लिए 8 का दिन शनि क्षेत्री मस्त गुड सॉलिड बेस्ट, ये 8 का नंबर 8 का तारीख। 7 में पड़ रहा है अष्टमी लेओ और 1 8 8 8 और 8 8 16 6 और 1 7 बना केतु। एनर्जी पूर्व दिन का जैसा ही एनर्जी रहने वाला है। फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो इस प्रकार का आएगा। तिथि फल अष्टमी, तो तारीख बोल रहा है कि भाई पुल बैक है। तारीख बोल रहा है कि क्रूरता और असुभता रहेगा, टेंशन तनाव और स्लोडाउन रहेगा। तिथि कह रहा है अष्टमी तिथि रविवार का दिन, और अष्टमी हो और रविवार हो तो सूर्य और अष्टमी का शुक्ल अष्टमी फल होता है वृथा, और अष्टमी का ईश्वर है भोलेनाथ सदाशिव। सुबह शिव का याद करोगे फिर ये तिथि फल प्रशमित हो जाएगा, अच्छा फल देगा। तारीख के फल, नंबर का फल के बाद तिथि फल के बाद बात करते हैं वार फल। रविवार संडे सूर्य भगवान शिव भगवान हो रहा, आज शुरू होगा रवि सूर्य भगवान का। इस कंडीशन में अगर बात करते हैं नंबर शनि का और तारीख तिथि शिव का और वार भगवान रवि का, एनर्जी यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजिंग बनने वाला है। यानी ये दिन एक कंफ्यूज का दिन दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं आज का पंचांग में जाएं और नक्षत्र फल पे जाएं। तो सबसे पहला आज 17 मार्च 2024 रविवार का दिन अष्टमी तिथि योग आयुष्मान करण व्यष्टि नक्षत्र मृगशिरा मृगशिरा नक्षत्र पक्ष शुक्ल बार रविवार सूर्योदय 6:28 सूर्यास्त 6:31 चंद्रोदय 11:22 चंद्रास्त 2:11 AM ऋतु वसंत चंद्र राशि मिथुन शक संबत 1945 कली संबत 5125 विक्रम संबत 2080 अभिजीत 12:05 PM से लेके 12:53 और राहुकाल 5 PM से 6:31 PM तक रहने वाला है। दिशा सूल पश्चिम एकदम ना जाए, बड़ा सारा समस्या बनता है ऐसी यात्राओं में। रात और चंद्रबल मेष मिथुन सिंह कन्या और धनु और मकर में रहने वाला है। नक्षत्रबल भरणी रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु अश्लेषा पूर्व फाल्गुनी हस्ता चित्रा स्वाति विशाखा ज्येष्ठा पूर्वाषाढ़ा श्रवणा धनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्रपद और रेवती में रहने वाला है। तो ये था नक्षत्र पंचांगीय स्थिति आज का दिन का। हमारे आज शनि उदय हो चुके हैं, पावर में आ चुके हैं, मंगल घुसने वाले हैं और आज अन्नपूर्णाष्टमी आज का दिन, और आज सबसे पहला हर प्रकार का शुभ कर्म के लिए करणीय है। दीक्षा ग्रहण नवान्न रजदर्शन नट्यारंभ नूतन जान वाहन आरोहण वस्त्र परिधान देवता गठन औषधिकरण और औषधि सेवनम इत्यादि। आज मेष राशि का घात बार, कन्या राशि का घात चंद्र, दोनों को बहुत सावधान रहना चाहिए। और आज पुष्कर दोष अद्य मृत्यु भक्ति एक पाद और पुष्कर दोष फल कृषि संपद विनाश भूमिदान सहित होम दान करणीय। रजश्चक्र कन्या लक्ष्मी युक्ता सुभागा रजदर्शन अपराह्न गते 4:24 के बाद गंड दोष स्त्री विधवा फलम
आज का भक्षण निषेध बनता है नारिकल, नारियल नहीं खाना है, लौकी नहीं खाना है। आज जो सुबह का रवि का होरा में मीन लग्न का उदय 7:23 तक, और इस समय मीन लग्न स्वाभाविक बात है सिंह का अष्टम रहेगा। सुबह सुबह एनर्जी को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा सिंह वालों के लिए। मेष का द्वादश रहेगा, इसी समय थोड़ा सा सावधान रहने का आवश्यकता है। उसके बाद और मेष लग्न का उदय हो रहा है 9:07 गते तक रहने वाला है, और 9:07 तक यहाँ शुक्र और बुध का हो रहा रहेगा। प्रचंड मिसमैच एनर्जी यहाँ पर रहने वाला है। कोई बड़ा काम इस समय स्टार्ट ना करें, थोड़ा सा साइलेंस होके इस समय सावधानी के साथ चलें। मेष कन्या के लिए अष्टम और वृष के लिए द्वादश रहेगा, इनको सिवा बाकी लोगों के लिए चलेबुल रहने वाला है। वृष लग्न 11:06 तक चलेगा, और वृष लग्न 11:06 तक चंद्रमा शनि का होरा मूवमेंट करता रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं वृष लग्न में शनि और चंद्रमा एक सुइटेबल फ्रूटफुल एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक स्मूथ एनर्जी जरूर रहेगा, लेकिन स्लो डाउनात्मक एनर्जी रहने वाला है, धीरात्मक रहेगा। काम करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं थकावट महसूस हो सकता है, लेकिन फ्लो अच्छा रहेगा। इस वृष लग्न के लिए तुला का अष्टम रहने वाला और मिथुन का द्वादश इनके लिए थोड़ा बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है, लेकिन एक प्रकार का एक आइसोलेशन का समय दे सकता है। एक शनि चंद्रमा और शुक्र का एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मिक्सिंग एनर्जी बिल्डअप कर रहा है। मिथुन लग्न का स्थिति रहेगा 1:18 तक, और 1:18 तक बृहस्पति और मंगल का होरा रहेगा। यहाँ सुपर मिसमैच एनर्जी दिखा रहा है, बहुत बढ़िया यहाँ बिल्डअप होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कर्क का द्वादश और धनु वृश्चिक का अष्टम, इनको थोड़ा सावधान, बाकी लोगों के लिए ठीक रहेगा। कर्क लग्न का 3:32 तक का लग्न रहेगा, और 3:32 तक शुक्र और बुध का यहाँ भी बहुत ज्यादा स्मूथ एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है आज के दिन में, लेकिन कहीं ना कहीं काम में ये डाइवर्शन दे सकता है, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। बात करता हूँ सिंह लग्न 5:41 तक, और 5:41 तक बुध और चंद्रमा का होरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ स्लो डाउन एनर्जी दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा गलती आपको बूस्ट कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बनता है। आगे बात करते हैं आज का राशि मिथुन राशि, और मिथुन राशि में नक्षत्र मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र स्वाभाविक बात है थोड़ा सा एनर्जी बहुत बढ़िया यहाँ पर नहीं रहेगा, मंगल का नक्षत्र है, थोड़ा सा ऊर्जा बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। तो मेष राशि का तृतीय चंद्रमा सॉलिड बेस्ट गुड एकदम टॉप रहने वाला है, ऊर्जा बढ़िया रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा यहाँ ज्यादा ऊर्जा के कारण अपने आप को मैनेज करने का आवश्यकता है, और यहाँ आपको 70-80 तक का एनर्जी मिल रहा है, सफलता दिखाई दे रही है, अच्छा काम कर सकते हो, करिए। वृष के लिए बात करते हैं, द्वितीय चंद्रमा नॉट गुड यहाँ रहने वाला है, और धनवाणी परिवार के क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी, एक्सीडेंटल योग थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मिष्टान्न जैसे भोजन और धन प्राप्ति का भी योग यहाँ दिखाई दे रहा है। मिथुन के लिए बात करते हैं 70 का नंबर मिल रहा है, 30% का समस्या रह सकता है, थोड़ा सा सावधानी रहने का आवश्यकता है। कर्क के लिए बताएं द्वादश का चंद्रमा नॉट गुड, थोड़ा सा खर्चा, टेंशन, तनाव, पीड़ा, ढैया का ऊपर ज्यादा उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट दिखाई दे रहा है। सिंह के लिए बोले लाभ चंद्रमा सॉलिड गुड बेस्ट 80-90 तक का एनर्जी जाएगा, कर सको तो आपका दिन, लेकिन लग्नेश अष्टम में होने के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्टिव एनर्जी नहीं दिखाई देगा, थकावट का स्थिति हो सकता है। कन्या के लिए बात करते हैं दशम चंद्रमा कार्य सिद्धि योग सफलता गुड 80-90 गो गो। तुला के लिए बोलेंगे तो आज थोड़ा सा राहत, बहुत राहत हो सकता है, अच्छा है, लेकिन अगर बीमार वगैरह हो या भ्रमण इत्यादि तीर्थाटन इत्यादि का संभावना यहाँ बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तुला के लिए अगर वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर अष्टम चंद्रमा नॉट गुड, तनाव, टेंशन, पीड़ा, कर्म में बाधा, मानसिक तनाव, काम होते होते भी दिखाई देगा, लेकिन पानी में डंडा मार के अलग करने जैसा काम बन रहा है, बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, सावधान रहना आवश्यकता है। धनु के लिए बात करते हैं तो सप्तम चंद्रमा एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा, मस्ती, फुल फेज। कुंभ के मकर के लिए बात करते हैं छठा चंद्रमा सॉलिड बेस्ट गुड टॉप 100 पे जाने वाला है, अगर कर सको तो दिन आपका आने वाला 2.5 दिन मस्त है, गो गो।
कुंभ के लिए बात करते हैं, ये कहीं से भी अच्छा नहीं दिख रहा है। बिग बी कहानिता और सफलता बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तनाव और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी। मीन के लिए आसपास ठीक ऐसा ही है, ओवर एनर्जी दोनों घर में पड़े हुए हैं और ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर काम नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को सावधानी रहने का आवश्यकता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र जो ये है, इसमें जो फल है मृगशिरा नक्षत्र का, तो कहीं ना कहीं आदमी गर्भ दिखाई देगा, आलस्यता दिखाई देगा, धन क्षय और एक यूनिवर्सल एनर्जी का बात कर रहा हूं, स्थानांतर एक जगह में बैठने नहीं देना, नुकसान क्षति और संचित धन का क्षय यहाँ पर, ऐसे चंद्रमा का एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इट्स नॉट सो गुड। मृगशिरा नक्षत्र का अगर आज पद नक्षत्र आज का देखेंगे तो बंधु से सुख प्राप्ति, सुख भोग और एंजॉयमेंट, मजा मस्ती, रोमांस, वस्त्र परिधान खरीदना और लेखन इत्यादि में आज का एनर्जी बहुत सपोर्टिव रहने वाला है नक्षत्र। तो बात कर लेते हैं मृगशिरा नक्षत्र, तो मृगशिरा नक्षत्र के लिए आज सबसे पहला अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु, तो आपके लिए बन रहा है जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी 50% एनर्जी अच्छा रहेगा। भरणी मेष पूर्व फाल्गुन सिंह पूर्व साढ़ा धनु, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा है बहुत बढ़िया। कृतिका मेष वृष उत्तर फाल्गुन सिंह कन्या उत्तरा साढ़ा धनु मकर, विपद तारा पे है, सावधान है, नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रहा है। रोहिणी वृष हस्ता कन्या सर्वणा मकरु संपद तारा पे है, चलेगा। मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकरु कुंभ, जन्म तारा में है, 70 का है, बढ़िया है। आद्रा मिथुन स्वाति तुला सतविशा कुंभ अति मित्र जोन पे बढ़िया है, गुड है, बेस्ट है। पुनर्वसु मिथुन कर्क विशाखा तुला वृश्चिक पूर्व भाद्रपद कुंभ मीन मित्र जोन पे बढ़िया है। पुष्या कर्क अनुराधा वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन, आपके लिए बन रहा है जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बध तारा पर है, नॉट गुड। अश्लेषा कर्क ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा पे कर्म सिद्धि और सफलता रहने वाला है। तो ये था आज का तिथि फल, होरा फल, लग्न फल, राशि फल, नक्षत्र फल, बार फल और न्यूमरोलॉजी के अनुसार न्यूमरोलॉजी नंबर तारीख का फल। तो हर दिन जरूर अपने सभी चीज को बढ़िया से समझना जरूरी होता है, सबको मिलाना होता है, कॉन्साइड करना होता है और अपना अपना पॉइंट्स आपको मिल गया तो तिथि से क्या, बार से क्या, नक्षत्र से क्या, और उसी हिसाब में अपने दिन दैनिक जीवन को प्लानिंग करना कि देखो मेरे को आज ऐसे ऐसे एनर्जी मिलने रहा है, उस एनर्जी का कैसे यूटिलाइज करें और किस प्रकार का सफलता या विफलता या किस कार्य का हम प्लानिंग कर पाए, ये समझना बड़ा जरूरी है। जिसका दिन अच्छा उसका महीना अच्छा, जिसका महीना अच्छा उसका साल अच्छा, जिसका साल अच्छा उसका जिंदगी अच्छा है। हर दिन का ऊर्जाओं को समझना, सीखना और उसके ऊपर आगे आगे चलना ये बहुत जरूरी है। रविवार का दिन संडे का दिन है और इस दिन का पंचांग फल के अनुसार अन्नपूर्णा अष्टमी, मैं उस समय बताया तो अन्नपूर्णा अष्टमी माँ लक्ष्मी का अन्न पुण्य सदा पुण्य संकरी प्राण बल्लवे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ये इसका अगर आप आज पाठ करते हो तो धन प्राप्ति का भी योग एक अच्छा लेवल पे बनता है, तो जरूर इसका पाठ इत्यादि करें। और साथ में ये जो आज का जो चंद्रमा का स्थिति और पूरे दिन भर का अगर कंडीशन को अगर देखते हैं, मिथुन चंद्रमा, मृगशिरा चंद्रमा और ये यहाँ का जो लॉर्ड बनता है, बनते हैं इस हाउस का, तो जगन्नाथ भगवान, तो जगन्नाथ मतलब एक अच्छा योग कॉन्साइड कर रहा है। एक तरफ अन्नपूर्णा अष्टमी, एक तरफ श्री जगन्नाथ भगवान और एक तरफ तिथि का शिव भगवान, तो ये जो शिव का सैविक एनर्जी, जगन्नाथ का एनर्जी और लक्ष्मी का एनर्जी एक साथ मैचिंग होना, तो आज का दिन लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनता है। जो लोग आज प्रयास किए होंगे धन प्राप्ति में सफलता मिल सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।